स्टार बनने के बाद की जर्नी अगर आपसे जानना चाहेंगे तो मतलब कि लोगों ने काफी पसंद भी किया आपको, कई लोगों ने आपको काफी जो है मतलब हेट कमेंट्स भी आ रहे हैं और मतलब कि लोगों ने काफी नेगेटिव कमेंट भी दिए हैं। हाल ही में आपका एक मतलब एक एमएमएस भी आया हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन आई थिंक। और इसके अलावा लॉकअप की मैं बात करूँ, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। इसके अलावा रियलिटी शोज को किस तरह बिग बॉस आने वाला है, हाँ जी, उसके बारे में काफी चर्चा है, आप जाने वाले हो इस साल, उसके बारे में क्या कहना? उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सैया को देखते हैं। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा लॉकअप के बाद पहला प्रोजेक्ट आया है, सो आई विश कि ये इतना सुपर डुपर हिट जाए। कांग्रेचुलेशन, गाना आ चुका है। थैंक यू सो मच। आप कौन है? हुआ सेंटर लुक, सेंटर लुक, मैम सेंटर लुक। गाने के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इस गाने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाना लाइव हो चुका है, आप सब जाकर देखिए, गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत कूल स्टेप्स हमने रखे हैं और ये रिक्रिएशन है और मतलब पुराने टाइम का बहुत ही सुपर हिट गाना है विजयंती माला जी का, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इनका रिक्रिएशन करने को मिला। एंड आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आपको पता चला कि रिक्रिएशन गाना हम करते हैं, आज तो ट्रेंडिंग में है रिक्रिएशन सॉन्ग्स की, आपका थॉट प्रोसेस क्या था इस गाने को लेके? मेरे मैंने जब ये गाना सुना था तो इसका बीट जब हम पुराना सुनते हैं तो बहुत ही लाइक सॉफ्ट है ना, तो जब मैंने ये गाना सुना फुल्ली बीट हिप हॉप, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई, डांस कि इस पे डांस बहुत अच्छा होगा। और इस गाने के अंदर बहुत ही अच्छा हमने डांस पूरा कोरियोग्राफ किया प्रिंस सर ने, तो मेरे को तो एक ही चीज़ दिमाग में आई, डांस। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइक ये पहले से इतना सुपर डुपर हिट सॉन्ग है तो इसकी मतलब एक हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि इसको और अच्छे से अच्छे लेवल पे लेकर जाना है, तो मैंने तो अपना 100% दिया है और अब आपका मुझे 100% चाहिए। आप इसको लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो और अच्छी अच्छी रील्स बनाओ। मैंने इसके ऊपर अभी कुछ न्यू नहीं बनाया है, सो अब हम बनाने वाले हैं, अभी हम सारे सभी इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे सब वीडियोस क्रिएट करेंगे। और मेरे पास बहुत ही प्यारे प्यारे BTS हैं, जब हम शूट कर रहे थे तो मैंने सारे BTS शूट करवाए थे। लॉकअप की मैं बात करूँ, उसके बाद काफी टाइम बाद आपने यस लॉकअप के बाद ये मेरा जो मैंने लॉकअप के बाद शूट किया है दैट इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो ये पहला ही प्रोजेक्ट मेरा आया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। काफी वेट करा है आपने, यस यस, क्यों करा है इतना वेट? इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट हम मुनावर की बात करें, उनका गाना आ चुका है, बट एक्चुअली क्या हुआ था, लिसन, इस गाने के लिए ना हमें कुछ ओपन लोकेशन चाहिए थी और ओपन लोकेशन के लिए हम मुंबई की बारिश में इतना दिक्कत है कि कभी जब भी हम डेट डिसाइड करते थे बारिश हो जाती थी उस दिन, तो हमारा गाना डिले 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 होता होता अब जाके रिलीज हुआ है। इट्स ओके, कहते हैं ना कि सबर का फल थोड़ा मीठा होता है। बहुत मीठा होगा। जी, स्टार बनने के बाद की जर्नी अगर आपसे जानना चाहेंगे तो मतलब कि लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया आपको, कई लोगों ने आपको काफ़ी जो है मतलब हेट कमेंट्स भी आ रहे हैं और मतलब कि लोगों ने काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी दिए हैं। हाल ही में आपका एक मतलब एक MMS भी आया हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन आई थिंक। और इसके अलावा लॉकअप की मैं बात करूँ, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। इसके अलावा रियलिटी शोज को किस तरह बिग बॉस आने वाला है, हाँ जी, उसके बारे में काफी चर्चा है, आप जाने वाले हो इस साल, उसके बारे में क्या कहना? उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम सैया को देखते हैं। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा लॉकअप के बाद पहला प्रोजेक्ट आया है, सो आई विश कि ये इतना सुपर डुपर हिट जाए। अंजलि जी, अगर आपका कोई सैया होगा तो उसमें क्या क्वालिटीज आप देखती हैं? क्या क्वालिटीज़ मैं देखती हूँ? अभी मैं बहुत छोटी हूँ उसको देखने के लिए अभी मुझे थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा हम काफ़ी सारी चर्चा थी कि आपका और मुनावर का भी एक एल्बम आने वाला है, म्यूजिक एल्बम, इसके बारे में कुछ हिंट देना चाहूँगी कि भाई आजकल चर्चाएं तो बहुत कुछ चलती हैं, है ना, जो आता है उसी पे बिलीव करना चाहिए, तो आने वाले समय में देखने मिल सकता है हमको, लाइक यू नेवर नो। अंजलि जी, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती भी, अगर सैया का दो ऐसा किसने किसने बोला ये मुझे बताओ जरा, कौन ऐसा कुछ नहीं है, ये और बड़ा भ्रम है सफेद झूठ, फिर भी आप दो लाइन गा दीजिए। अरे मेरी आवाज बहुत बुरी है यार, प्लीज
तो फिर आप सब मेरे साथ गाओ, ठीक है? ओके स्टार्ट करें। ऐसा यार पता तुम लोग क्या करते हो, मैं गाने लग जाती हूँ और तुम सब चुप रहेंगे, बस रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब साथ में बोलेंगे, ठीक है? चलो 1 2 3 स्टार्ट। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। हमारे गाने की लाइन है, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। देखा हो गए ना सब चुप, पर ये लाइन अगर आप जब बोलते हो तो किसके थॉट, क्या थॉट आता आपके दिल में? वीडियो का, जो हमारा हुक था ना, मेरा वही थॉट जाता है। इसके अलावा अंजलि जी, आप आने वाले समय में किस तरह के प्रोजेक्ट करना पसंद करोगी? चलो एक बड़ी लाइक एक बिग सरप्राइज और दे देती हूँ। एक ये रिक्रिएशन है, एक मेरा और रिक्रिएशन आने वाला है इसी मंथ में, बहुत बड़ा, बहुत सुपर डुपर हिट है वो। मुबारक। अंजलि जी, अगर सैया की बात करें तो बहुत ही आइकॉनिक गाना है, आपकी क्या मेमोरीज है वो गाने को लेकर? आप कितने साल की थी वो समय आपने गाना सुना, तो अगर उस टाइम की मेमोरीज के बारे में? नहीं, शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी उस टाइम पे जब ये गाना आया था। तो अब मैंने सुना ये गाना, पहले से हम सुनते आ रहे हैं, हमारी मम्मियों का बहुत फेवरेट है, मम्मी इस टाइम का गाना है ये। तो मैंने जब मम्मा को बताया कि मम्मा मैं इस गाने का रिक्रिएशन कर रही हूँ, तो मेरी मम्मा बहुत खुश हो गई। कि मम्मा कहती कि ये मेरा फेवरेट गाना था मम्मा के टाइम पे, बिकॉज जब मेरी मम्मी मेरे जितनी होंगी शायद तब गाना तब आया होगा। तो विजयंती माला जी तो वैसे ही बहुत बहुत अच्छा डांस करती थी और उन्होंने ये गाना किया था। एंड आपको कोरियोग्राफ किसने किया ये गाने में? काफी प्रिंस सर, प्रिंस गुप्ता। ही इज वेरी स्वीट, और मतलब वो बहुत प्यार से हर चीज़ को ना लाइक बताते हैं। कि कभी कभार मैं बीच में ऐसे ना करते करते मैं भूल जाती थी, हमारा ये पूरी जब प्रैक्टिस चल रही थी तो हम पूरा गाना रेडी हो गया था, तो एंड मोमेंट पे वो आते हैं, कहते हैं कि यार ये ना थोड़ा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मतलब वो उस तरीके से बताते हैं कि सामने वाले को ना बहुत जल्दी समझ आता है, लाइक उनकी बहुत अच्छी लाइक अच्छा वो बॉन्ड बना कर रखते हैं अपने उसके साथ, आर्टिस्ट के साथ। अंजलि जी, इसके अलावा किस तरह आप फोकस करो, डेली सोप पे फोकस करो या फिर मूवीज पे फोकस करो या फिर रियलिटीज में? सी अभी डेली सोप्स का मेरा कोई ख्याल नहीं है, वैसे डेली सोप्स के बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास, बट अभी मुझे वेब सीरीज, मूवीज और म्यूजिक वीडियोस एंड बहुत अलग अलग चीज़ें मुझे अभी करनी है। एंड लास्टली कोई एक छोटा सा संदेश देना चाहोगे हमारे फैंस को? यस, फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगी, अपने अंजलियंस को बोलना चाहूँगी कि जैसे आज तक आपने मुझे प्यार दिया, आई विश कि आप इस गाने को भी उससे ज़्यादा 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 प्यार दोगे। एंड आई लव यू ऑल, और आप सबको भी प्लीज़ आप अच्छे अच्छे से इस पे कमेंट्स करना और इस गाने को देखना और रील्स भी बनाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू।